बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। युवक पिछले 7 साल से शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करता रहा और जब शादी की बात आई तो जान से मारने की धमकी देने लगा। युवती ने युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सर भैया संबंध चल रहा है जौन है, अब हमें ना ही मालूम है भैया। ओकरे बाद तब ये पुलिस के बुलाई जौन है तो आए जौन है खेते से तो मालूम चला जौन है, तब ओकरे बाद जौन है मालूम चल। हाँ, अब क्या कर रहे हैं, शादी करने का रहे नहीं? अब यार हर भागत हैं जौन है भैया। क्या कुछ पैसा रुपया भी लिए, मारपीट भी लिए, धमकी देते रहे? मेहरारू जौन चीज भी खे उठा ले गई, ओकरे बाद इनके जितना सामान रहा वो उठा ले गई, रुपया पे मारे धमकी देते रहे। सर मेरे गांव का एक लड़का मेरे साथ शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा था। उसके बाद 6-7 साल से उसके बाद जब हमने शादी के लिए उसे कहा तो वो मना कर दिया। वो मुझे डरवा धमका कर मेरा पैसा भी ले लिया, मेरे माँ का कान का झाला भी ले लिया है और मेरा सब सामान था वो भी ले लिया है। उसके बाद जब हमने कहा कि उसे शादी करो तब उसने मना कर दिया। उसके बाद हमने थाने पर आकर कंप्लेन किया तो थाने पर आकर कंप्लेन किया तो थाने वालों ने उसे टाइम दे दिया, 1 महीने का टाइम दे दिया शादी करने के लिए कि 1 महीना बाद हम शादी करेंगे। उसके बाद जब टाइम दे दिए तो 1 महीना बाद हम जब गए थाने पर तो थाने वाले ने कहा कि हम कल बुलवा देंगे। उसके बाद कई बार हम गए थाने पर लेकिन नहीं बुलवाएं। उसके बाद 6-7 दिन का टाइम मुझे दे दिया गया कि अगर अब लड़का क्या कह रहा है? लड़के से बात नहीं हुई, लड़का शादी से मना कर रहा है। देखिए कल एक जो लड़की है जो कि थाना बाल्टरगंज क्षेत्र की रहने वाली है, इसके द्वारा ये आरोप लगाया था कि कोई व्यक्ति के द्वारा उसको शादी का झांसा देके और उसके साथ में दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में फिर शादी उससे नहीं कर रहा है। इसकी तहरीर थाने पे मिली है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे साक्ष्य के आधार। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।